और नौकरी है तो व्यापक निवेश की संभावनाओं और भूमि आवंटन के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह जी, महापौर गोरखपुर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधायक खजनी श्री श्रीराम चौहान जी, विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री बिपिन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री विष्णुजीत सरिया जी, श्री रामपाल सिंह जी, उदय भान सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख दिलीप यादव जी, रमेश सिंह जी, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास श्री अरविंद कुमार जी, अपर मुख्य सचिव सूचना और एमएसएमई श्री नवनीत सहगल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव पशुधन श्री रजनीश दुबे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ यहां पर आज गीडा के विकास से जुड़ी हुई गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के रोजगार और गीडा में व्यापक निवेश की तमाम संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। मैं इसके लिए गीडा प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी का हृदय से आपको बधाई देता हूं, आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, गीडा में गारमेंट क्लस्टर के लिए 56 आवंटियों में से 5 आवंटियों को यहां पर आज आवंटन पत्र जारी किया गया है और इसके साथ ही यहां पर जो विकास की तमाम योजनाएं यहां पर तैयार होनी हैं, जिनके माध्यम से 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत अधिक का निवेश यहां पर होगा और 2,500 से अधिक नौजवानों को रोजगार यहां पर उपलब्ध होना है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम गोरखपुर की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी कार्यक्रम गोरखपुर के लिए होने जा रहा है, जिसमें यहां पर मेसर्स केयान डिस्टलरीज प्राइवेट लिमिटेड, सीपी मिल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड और भी अन्य तमाम निवेश की संभावनाओं के लिए भूमि आवंटन का जो कार्यक्रम यहां पर हुआ है, हम सबको इस बारे में सोचना होगा। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर का बनाने का एक बड़ा लक्ष्य देश के सामने रखा है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश से अपेक्षाएं होंगी और उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी की अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में सफल हो सके, इसके लिए निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। मैं धन्यवाद दूंगा यहां पर उन सभी निवेशक और उद्यमियों को जिन्होंने गोरखपुर के गीडा जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में निवेश के लिए चुना और आज यहां पर वे लोग निवेश के भूमि आवंटन के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। 1,000 करोड़ रुपए के से अधिक का निवेश गोरखपुर में होगा
और 2500 से अधिक नौजवानों को यहां पर सीधे सीधे नौकरी और रोजगार उपलब्ध होगा। मैं इसके लिए निवेशकों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी को, गोरखपुर के नौजवानों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इसके लिए बधाई देता हूं, उन सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश को देश की अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका के रूप में स्थापित करने के लिए आगामी कुछ वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में हमें प्रयास करना होगा और इसके लिए निवेश आवश्यक है और निवेश की जो बुनियादी शर्त होती है वह है सबसे पहले सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर के रूप में ली जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए जो कदम बढ़ाए आज उसके अपेक्षित परिणाम पूरे देश के सामने आ रहे हैं। और अभी हाल ही में जो कुछ भी हुआ आप सबके सामने हुआ है, आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर रामनवमी, हनुमत जयंती और ईद के अवसर पर पूरी तरह शांति और सौहार्द का वातावरण रहा। हर व्यक्ति ने विकास की योजनाओं पर ध्यान देना प्रारंभ किया, अनावश्यक मुद्दों से अपने आप को दूर रखा। दूसरा ऐतिहासिक कार्य उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया, शासन ने अपेक्षा रखी कि सड़कें चलने के लिए होनी चाहिए, आस्था के स्थल धर्मस्थल होते हैं, सड़क नहीं हो सकती और सड़क पर किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियां इस दौरान नहीं हुई हैं, यह भी एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के नाम पर। तीसरा, आपने देखा होगा कि तमाम लोग धर्मस्थलों पर माइक लगा करके अपनी आस्था को व्यक्त करते थे, यह हर एक की आस्था हो सकती है लेकिन आस्था व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है, हम अपनी आस्था को किसी पर जबरन नहीं थोप सकते। और इस दिशा में जब सरकार ने तय किया कि किसी भी धर्मस्थल पर माइक की ध्वनि उसके परिसर के बाहर नहीं आना चाहिए, 1 लाख से अधिक माइक या तो धर्मस्थलों से उतरे हैं या उनकी आवाज धीमी हो गई है और वे परिसर तक सीमित हो गए हैं। ये सभी चीजें बताती हैं उत्तर प्रदेश विकास की एक नई आभा के साथ विकास की नई बुलंदियों को छूने के लिए उतावला दिखाई देता है। और ऐसे ही अगर उत्तर प्रदेश की पूरी टीम मिलकर के काम करेगी, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता का सहयोग अगर एक साथ मिलकर के शासन के साथ, प्रशासन के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलेगा तो भाइयों बहनों, हम लोग प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में हमें बहुत देर नहीं लगेगी, यह कार्य हम लोग बहुत शीघ्र इसको हम लोग प्राप्त करने में सफल होंगे। आज गीडा का एक कार्यक्रम इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, गोरखपुर विकास की आज एक नई कहानी लिख रहा है। गीडा